Zero to Professional English Course. A creation of Habib Riaz. Lesson number five Pronoun and its Kinds. For a better experience of the course, you should buy our book Golden English Intermediate Level 2. Zero to Professional English Guide A Golden Gift for English Learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners. As this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बसमिल वरम वर्क उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बख़ैर और आफ़ियत होंगे आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर पाँच पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन ओके गाइस लेकिन सबक शुरू करने से पहले हम रिवाइज करेंगे जो कुछ हमने पिछले सबक में पढ़ा पिछले सबक में हमने क्या पढ़ा पिछले सबक में हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ नाउन ठीक है चौथे अतबार से तो काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में हमने पढ़ा था तादाद के अतबार से इसकी कुल दो किस्में हैं पहले को हम बोलते हैं सिंगुलर दूसरे को हम बोलते हैं प्लूरल सिंगुलर किसे कहते हैं जो एक चीज़ को बतलाए और प्लूरल किसे कहते हैं जो एक से ज्यादा चीज़ को बतलाए तो इसको हम बोलेंगे प्लूरल अगर हमने बताया कि किस तरह से हम एक सिंगुलर को एक प्लूरल में बदलते हैं तो मैंने बताया कि इसके कुल दस तरीक़े हैं पहला तरीका है सिंगुलर के आखिर में हम एस बढ़ा देते हैं और हम ऐसा उस वक्त करते हैं जब ख़ास तौर पर उसके आखिर में कंसोनेंट हो ओके दूसरा तरीका सिंगुलर से प्लुरल बनाने का ये है कि हम उस इसम के आखिर में ई e एस का इजाफा कर देते हैं ई e एस को बढ़ा देते हैं और ये आम तौर पर हम उस वक्त करते हैं जब सिंगुलर के आखिर में एक्स हो एस हो एस एच हो ओ हो सी एच वगैरह हो तब इसका तीसरा तरीका हमने सीखा हर वो इसम जिसके आखिर में एक साथ दो दो हों तो उसको जमा बनाते वक्त हम एस का इजाफा कर देते हैं ओके दो अवेल होंगे तो एस का इजाफा कर देंगे चौथा तरीक़ा हमने सीखा कि इस इसम के आखिर में एफ़ हो या एफ ई हो तो उसको जमा बनाते वक्त हम एफ़ या एफ ई को वी ई एस में बदल देते हैं तो इस तरह से हमारा वो सिंगुलर से क्या हो जाता है हो जाता है इसका पांचवा तरीका यह हर उसमें जिसके आखिर में वाई हो और वाई से पहले अगर कंसोनेंट हो तो इस सूरत में वाई को हम हटा कर आई ई एस का इजाफा कर देते हैं ओके okay? आगे हमने पढ़ा छठा तरीका कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो वावे होते हैं उन्हीं को हम बदलकर जमा बना देते हैं यानी नाउन होता है उसमें हम कुछ नहीं करते हैं बस उसी के अंदर ही तब्दीली कर देते हैं तो सिंगुलर से प्लूर बन जाता है हमारा आगे हमने पढ़ा कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके आखिर में हम ई e एन या आर ई -E एन का इजाफा करके हम प्लूरल बनाते हैं आगे हमने पढ़ा कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर भी इस्तेमाल होते हैं और प्लूरल भी दोनों तरीक़े से इस्तेमाल होते हैं और उनमें कोई तब्दीली नहीं होती है ओके नवा तरीका क्या था कंपाउंड नाउन के बारे में हमने पढ़ा था कि कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं इस, उस इसम को कहते हैं कंपाउंड नाउन जो दो या तीन से ज्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो और उसको जमा बनाते वक्त हम देखेंगे कि उस, उसका असल जो कलिमा है उसका असल जो वर्ड है उसको हम तब्दील करेंगे ओके और दसवा व हमने पढ़ा था लेटर्स इस तरह से नंबर्स को जब हम प्लूरल बनाना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि उस लेटर के या उस नंबर के आखिर में फिर ट्राफी का लगा दें और उसके बाद इसका इजाफा कर दें उस तरह से हमारा प्लोरल बन जाएगा तो ये कुछ दस तरीके थे प्लूरल बनाने के हमने आपको बता दिया आगे हमने आपको कुछ मज़ीद जानकारी दी थी प्लूरल और सिंगुलर के बारे में जिसमें से पहली बात ये थी कि, कि कुछ ना ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल ही इस्तेमाल होते हैं गर्चे वो सिंगुलर का माना देते हैं और ऐसे इसमें हैं जो आलात के नाम होते हैं जिसमें दो हिस्से होते हैं खास तौर पर जैसे कि आप देख सकते हैं सीजर्स टोंग स्पिनशर्ट स्पेक्टिकल्स इनको आप जब भी इस्तेमाल करेंगे तो आप इनको प्लूरल इस्तेमाल करेंगे घर सिंगुलर होते हैं जैसे चश्मा एक ही होता है लेकिन जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो इसको आप प्लूरल इस्तेमाल करेंगे दूसरी चीज़ कुछ ख़ास कपड़े होते हैं कुछ ख़ास ड्रेस होते हैं कुछ ख़ास लिबास होते हैं उनको भी इस्तेमाल करते वक्त हम जो है हमेशा प्लूरल इस्तेमाल करेंगे जैसे कि ट्राउज़र्स है ब्रिचेज़ है जीन्स टाइट है टाइट्स है शॉर्ट्स है पैजाम वगैरह हैं तो उनको हम जब भी इस्तेमाल करेंगे हम इनको प्लूरल ही इस्तेमाल करेंगे इनको हम सिंगुलर नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं आगे हमने पढ़ा था कुछ नाउन ऐसे हैं जो प्लूरल होते हैं बट वो सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वो सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं जिसमें से पहला सब्जेक्ट है जैसे कि आप कह सकते हैं मैथमेटिक्स वगैरह दूसरा लफ्ज है न्यूज़ न्यूज़ को भी हम सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं तीसरी जो किस्म हो सकती है वो कुछ आम बीमारियां हैं कुछ बीमारियों के नाम ऐसे हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन उनको हम सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं आगे कुछ खेल भी ऐसे हैं जिनको जो देखने में प्लूरल लगते हैं बट वो सिंगुलर होते हैं यानी हम उनको सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं आगे हमने बताया कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं लेकिन उनका इस्तेमाल हम प्लूरल के तौर पर करते हैं यानी दिखने में सिंगुलर लगते हैं यानी कुछ नाउन ऐसे हैं जो दिखने में सिंगुलर लगते हैं उनमें कोई अलामत नहीं पाई जाती है लेकिन उनको हम प्लूरल इस्तेमाल करते हैं जैसे कि केटल है ये देखने में एक सिंगुलर है लेकिन इसको आप इस्तेमाल करेंगे प्लूरल इसी तरह से कीड़े हैं वर्मिन है पीपल है पीपल देखने में सिंगुलर तो लगता है लेकिन इसका इस्तेमाल हम प्लूरल के तौर पर करते हैं इसी तरह से जेंट्री है एक ख़ानदान है इंग्लैंड में इनको जब भी आप इस्तेमाल करेंगे आप एज़ अ प्लूरल इस्तेमाल करेंगे ओके तो यहीं पर हमारा सबक ख़त्म हुआ था अब हम करने जा रहे हैं अपना होमवर्क और मैंने बताया कि मैंने पैटर्न में तब्दीली की है तब्दीली ये है कि आपको होमवर्क शो नहीं किया जाएगा पहले ही बल्कि आपको सिर्फ़ असूल बताए जाएंगे, आपको पढ़ाया जाएगा आपको समझाया जाएगा मिसालें दी जाएंगी और होमवर्क को हम डायरेक्टली मैच करेंगे ओके चूंकि ऐसे होमवर्क है जो ऑप्शनल है इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं है ये तर्जुमा तो है नहीं ठीक है तर्जुमा नहीं है तो इसलिए हमने सोचा कि इसको ऑप्शनल रखा जाए ताकि ज्यादा अच्छा लगे ओके okay? तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना आज का होमवर्क उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे अगर नहीं समझे तो एक बार प्लीज पढ़ लें समझ लें ओके okay? उसके बाद आप अपना होमवर्क करें इन दिस पार्ट वी विल चेक आवर ग्रामर प्लीज रिमेंबर दैट दिस इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन Where you have to choose the correct answer. For every question, you have only 15 seconds. Let us begin with the test. Here is the correct answer. Here is the correct answer. Here is the correct answer. Correct answer 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 Here is the correct answer. Here is the correct answer. Here is the correct answer. Correct answer Here is the correct answer. ओके गाइस, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मैच किया होगा और हमारा होमवर्क था कि आपको सही और गलत का निशान लगाना था और मैं बताना चाहूँगा कि कैसे क्या हुआ मैथमेटिक्स इज़ यूज एज प्लूरल ये जुमला आपका गलत होगा इसकी वजह यह कि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें गर्च एस तो लगा हुआ है लेकिन फिर भी हम इसको प्लूरल इस्तेमाल नहीं करते हैं इज ऑलवेज यूज एज प्लूरल बिल्कुल सही है ये आलात हैं यानी आला है एक औजार है एक सामान है ठीक है उसके बाद वी जनरली डू नॉट यूज़ अनकाउंटेबल नाउन एज प्लूरल आपने काउंटेबल अनकाउंटेबल में पढ़ा था कि काउंटेबल नाउन की प्लूरल आती है बट अनकाउंटेबल की नहीं आती है लेकिन अगर आ जाए तो उसकी तावील करेंगे तो गोया कि नहीं आती है तो आपका जुमला सही होगा दीज न्यूज़ आर वेरी इंटरेस्टिंग यहाँ पर न्यूज़ न्यूज़ के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि इसको हम सिंगुलर ही इस्तेमाल करते हैं इसलिए आपका जुमला गलत होगा पीयूष केटल ए सिंगुलर मैंने क्या बताया कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो दिखने में सिंगुलर तो होते हैं लेकिन इसको हम प्लूरल इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए केटल को हम एज अ पिलूरल इस्तेमाल करेंगे इसलिए ये आपका जुमला गलत होगा शीप इज यूज सिंगल बोथ और मैंने बताया कि कुछ कलिमात ऐसे हैं जो सिंगुलर भी इस्तेमाल होते हैं पिलुरल भी उनमें से एक वर्ड शीप है इनको आप दोनों तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं इसलिए आपका यह जुमला सही होगा रिकेट्स इज अ वेरी डेंजरस डिजीज ये आपका एक जुमला है रिकेट्स ये बीमारी का नाम है मैंने लिखा था कि कुछ बीमारियों के नाम ऐसे होते हैं जिनको हम एज अ सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं अगर पिलुरल दिखते हैं तो रिकेट्स इज अ वेरी डेंजर डिजीज ये आपका जुमला है जो कि सही है लेकिन इसमें क्या दिस सेंटेंस इज इन करेक्ट लिखा हुआ अगर करेक्ट होता है तो सही होता बट दिस सेंटेंस इज इन करेक्ट का क्या मतलब होगा कि जुमला गलत है यानी जुमला सही है ये ओके गलत नहीं है इसलिए यहाँ पर आपका गलत का निशान लगाएंगे फ्लोरल ऑफ टेन इज टेन के साथ आप स्ट्रॉफी जोड़ देंगे फिर एस लगा देंगे तो टेन्स हो जाएगा ओके तो ये जुमला सही है बगैर ई क्या आती है ठीक है इसलिए जुमला गलत होगा अगला जुमला था प्लूरल ऑफ लोगोज इज लोगोज ई नहीं लगाएंगे सिर्फ इसका इजाफा करेंगे इसलिए यहाँ पर आपका जुमला सही होगा ये आपके दस क्वेश्चन हुए आगे चलते हैं अगले दस क्वेश्चन लेते हैं आगे क्या था देंकर प्लोरल ऑफ हेंकर चीप इज हैंकर चीप्स यानी मैंने बताया था कि एफ को हम चेंज कर देते हैं जब आखिर में है। लेकिन कुछ कलमात ऐसे होते हैं जिनमें हम चेंज नहीं करते हैं ठीक है इसलिए यहाँ पर एस का इजाफा किया है जुमला आपका सही है प्ल ऑफ वाइफ इज़ वाइफ्स वाइफ की प्लूरल वाइफ नहीं आती वी यहाँ पर हम इसको वी कर देंगे ओके क्या हो जाएगा वी के साथ अगर होता तो सही होता इसलिए आपका जुमला गलत होगा प्लोरल ऑफ ऑक्स आखस इज ऑक्सन ये आपका जुमला सही है ई एन के साथ हमने जमा बनाया चिल्ड्रेन इज़ प्लोरल ऑफ चाइल्ड चाइल्ड की जमा चिल्ड्रेन आती है सही है Of roof is roofs. ये जमा नहीं है बल्कि सिर्फ आप एस का इजाफा करेंगे इसलिए आपका गलत हो जाएगा प्लोरल ऑफ एस एज एस एस यहाँ पर आपका ये गलत माना जाएगा एससेज नहीं है एस से है ओके okay? ई e के साथ नहीं आता सिर्फ ए जो है ऐसा आएगा आपने क्या पढ़ा कि वाई के बाद अगर कंसोनेंट आए तब हम आई ई e में बदल देते हैं यहाँ पर वाई के बाद कंसोनेंट नहीं वावेल है इसलिए सिर्फ एस का हमने इजाफा किया इसलिए आपका जुमला गलत होगा Plural ऑफ मैंगो इज मैंगोज यहाँ पर ई e के साथ जमा आती है इसकी ओके यहाँ पर ओ ई e, अगर यहाँ पर होता तो सही होता है यहाँ पर सिर्फ एस लिखा हुआ इसलिए आपका जुमला गलत होगा प्लुरल ऑफ़ गोल्ड इज गोल्ड्स ये गोल्ड क्या एक uncountable noun है एक अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए इसकी प्लूरल नहीं आती इसलिए हमने इसको कर दिया है गलत लेकिन अगर आप इसको सही के होंगे तो चल सकता है गोल्ड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन एक्चुअल वो प्लूरल नहीं होगी इस ना से मैंने यहाँ पर गलत का निशान लगाया लेकिन अगर आप इसको मानते ईज होता है तो आप कर सकते हैं सही का भी चल सकता है दोनों चल सकता है कोई दिक्कत नहीं है प्लोरल ऑफ़ वोमेन इज वन की प्लोरल वोमेन आती है e ई ही आएगा एस का इजाफा हम नहीं करते सिर्फ वावल ही को हमने बदला ठीक है सिर्फ वावल को चेंज किया हमने तो ई e के साथ है कि एस नहीं होता तो सही होता इसलिए आपका जुमला गलत हुआ प्लोरल ऑफ रेडियो इज रेडियो यहाँ पर सिर्फ एस आएगा चूंकि हमने क्या पढ़ा कि जब दो वावल एक साथ जमा हो जाए तो उस सूरत में हम सिर्फ एच का इजाफा करते हैं यहाँ पर आई भी वॉवेल है और ओ भी वॉवेल इसलिए हमने ई बढ़ा दिया यहाँ पर तो ये गलत हो गया अगर हम सिर्फ एस का इजाफा करें तो आपका जुमला सही होगा रेडियो से क्या हो जाएगा रेडियो विदाउट एस लेकिन चूंकि यहाँ पर ई एस लगा हुआ है इसलिए हमने यहाँ पर गलत का निशान लगाया ओके ये आपके आंसर्स थे तो उम्मीद करता हूँ कि आपका कुछ सही रहा होगा कुछ गलत रहा होगा सारे तो सही नहीं हो सकते क्योंकि ये जो आपका होमवर्क था ये आपका देखा हुआ नहीं था ठीक आप है आपने डायरेक्टली ये पर किया अपनी समझ के अतवा से तो जाहिर सी बात है गलतियाँ हुई होंगी कोई दिक्कत की बात नहीं है मुझे लगता है कि बहुत इन्जॉय किया होगा आपने तो ये जवाब सही था और उसकी एक्सप्लेनेशन थी उसकी तश्री थी इसकी वजाहत थी क्यों गलत था क्यों सही था मैंने बता दिया ओके गाइस अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का नया सबक और आज के सबक में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में प्रोनाउन किसे कहते हैं व्हाट इज़ प्रोनाउन प्रोनाउन की तारीफ क्या है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने पढ़ा प्रोनाउन किसे कहते हैं प्रोनाउन कहते हैं उन कलिमे को या उन अल्फाज को या उस वर्ड को जो किसी नाउन के जगह पर इस्तेमाल हो तो हर वह अगर अंग्रेजी जबान का जो किसी नाउन यानी इसम की जगह पर इस्तेमाल हो उसको हम बोलेंगे क्या उसको हम बोलेंगे प्रोनाउन मिसाल के तौर पर उमर इज़ अ गुड बॉय ठीक है अब आगे क्या कहेंगे ही रीड्स इन क्लास सेवन अगर आप कहेंगे ही टू द स्कूल डेली तो यहाँ पर उमर था ठीक है ये आपका एक इसम है ठीक है इसकी जगह पर इस्तेमाल हुआ क्या ही ही रीड्स इन रीड क्लास सेवन ही मुराद किया उमर है यानी उमर रीड्स इन क्लास सेवन इसी तरह से ही टू द क्लास टू द स्कूल डेली तो यहाँ पर ही ये किसकी जगह पे इस्तेमाल हुआ उमर की जगह पे इस्तेमाल हुआ है तो इसी को हम क्या कहते हैं प्रोनाउन तो प्रोनाउन अंग्रेजी जुबान का हर वो लफ्ज या हर वो कलिमा जो किसी नाउन के जगह पे इस्तेमाल हो उसको हम बोलेंगे प्रोनाउन ओके गाइस अब आगे बात करेंगे प्रोनाउन की कितनी किस्में हैं प्रोनाउन कई तरह के होते हैं अभी तक हमने नाउन के बारे में बात की अब हम बात करने जा रहे हैं प्रोनाउन के बारे में प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं प्रोनाउन की कुल जो है लोगों ने इख्तलाफ किया कुछ लोगों ने सिर्फ आठ ही कहा है कुछ लोगों ने दस कहा है कुछ लोगों ने ग्यारह कहा है लेकिन कुल मिला करके हमने जो लिखा है वो दस लिखे हैं लेकिन ज्यादा सही होता है आपका आठ ही सही होता है मतलब अगर देखा जाए तो आठ ही सही होता है लेकिन कुछ अख्तिलाफ की वजह से मैंने दस कर दिया है तो इन शाला उनको हम समझेंगे तो पहली किस्म है पर्सनल प्रोनाउंस दूसरी किस्म है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस तीसरी किस्म है इम्फेटिक प्रोनाउंस चौथी किस्म है डिमॉन्सट्रेटिव प्रोनाउंस पांचवी किस्म है इनडिफिनट प्रोनाउंस छठी किस्म है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस सातवीं किस्म है रिलेटिव प्रोनाउंस आठवीं किस्म है इंस्रोगेटिव प्रोनाउंस असल में यही प्रोनाउंस हैं एक्चुअल में अगर देखा जाए तो लेकिन कुछ लोगों ने दो और ऐड कर दिए हैं जिसमें से है रेसिप्रोकल प्रोनाउन और आखिरी जो किस्म है वो है प्रोनाउन ओके एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन तो ये कुल प्रोनाउन की दस किस्में हैं हर एक की अपनी तारीफ है हर एक की अपनी खसूसियत है जिनको अब हम पढ़ने जा रहे हैं तफसील के साथ तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउंस की पर्सनल प्रोनाउंस किसे कहते हैं तो पर्सनल प्रोनाउंस उस प्रोनाउन को कहते हैं जो किसी ख़ास नाम की जगह पे इस्तेमाल हुआ हो किसी ख़ास नाम की जगह पे जैसे कि हजीफ़ा इज़ माई स्टूडेंट ही इज़ अ गुड बॉय इसी तरह से सना इज खालिज मदर शी टीचर्स इन कॉलेज इन कॉलेज इसी तरह से हु आर इन द फील्ड दे वर प्लेइंग द फील्ड ओके तो यहां पर आप देख सकते हैं इसी तरह से सना इसी तरह से the students. हम सिर्फ स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे हैं दा के साथ ओके okay? तो ये क्या है ये क्या है ये खास नाम है खास ठीक है इनकी जगह पे हमने क्या इस्तेमाल किया इनकी जगह पे हमने इस्तेमाल किया है ही शी दे तो ये क्या है ये असल में प्रोनाउंस हैं लेकिन प्रोनाउन के जस कस्में उनमें से क्या है ये तो इनको बोलेंगे पर्सनल प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन क्यों बोलेंगे क्योंकि ये इस्तेमाल हुए हैं पर्सनल नाउन की जगह पे खास पर ख़ासफ़ा ख़ास नाम है सना ख़ास नाम है द स्टूडेंट्स ये ख़ास स्टूडेंट मुराद है तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे, ओके okay? बोलेंगे पर्सनल प्रोनाउन ओके गाइस? पर्सनल प्रोनाउन के बारे में आपको मजीद बातें जाननी है वो ये है कि पर्सनल प्रोनाउन तीन तरह के होते हैं पहले को हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन से मतलब होता है आप खुद और हर एक की चार किस्मती प्रोनाउन है तो इसकी चार किस्म बनेंगे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एंड पॉजिटिव ठीक है फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं यानी जो भी प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वो तीन तरह के होंगे पहला फर्स्ट पर्सन कहलाएगा फर्स्ट पर्सन में आता है आप जैसे कि आई और वी इसकी के सब्जेक्टिव केस है ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगी मी एंड एस ऑन पजिशिव केस क्या बनेगी मी माई या माइन या आवर our, या आवर्स अगर आपने मेरा बिगनेस लेवल को देखा होगा तो मैंने वहां पर बताया है सब्जेक्टिव केस किसे के कहते हैं यानी सब्जेक्ट के तौर पर जब इस्तेमाल हो तो हम क्या बोलेंगे ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो तो क्या बोलेंगे इसी तरह से अगर मिल्कियत साबित करनी हो तो हम क्या बोलेंगे तो यहाँ पर वही है पोजेसिव केस ऑब्जेक्टिव केस वगैरह तो जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो आई बनेगा वी बनेगा ऑब्जेक्ट अगर आई आई की बनाए तो मी बनेगा अगर आप कहना चाहते हैं मेरी किताब तो यानी मिल्कियत साबित हो रही है आपकी तो यहाँ पर माई हो जाएगा या माइन हो जाएगा ठीक है इसी तरह से वी से क्या बनेगा अस बनेगा अवर्स एवर्स तो ये जो भी ये पूरे के पूरे क्या कह लेंगे ये पूरे के पूरे क्या है? प्रोनाउंस हैं सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट बन रहा है ये पॉजिटिव केस बन रहा है लेकिन ये क्या है कि पूरे के पूरे प्रोनाउन हैं ठीक है थीके? और इनको हम कहेंगे फर्स्ट पर्सन तो जब भी कभी आप सुने फर्स्ट पर्सन ग्रामर में तो इसका मतलब ये होगा आई वी मी अस माई माइन या आवर आवर्स ठीक है इसकी दूसरी किस्म होती है यानी मुतकलम आप कह सकते हैं फर्स्ट पर्सन का मतलब आप मुतकल कर सकते हैं बसात खुद यानी खुद से जो होता है इसकी दूसरी किस्म होगी सेकेंड पर्सन सेकेंड पर्सन का मतलब होता है गायब जैसे कि आप कहें इसकी भी तीन किस्म बनेंगे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पजेसिव जैसे कि आप कहें यू आई मीन सेकेंड का मतलब हाजिर यू ओके यू सब्जेक्ट बन जाएगा यू ऑब्जेक्ट भी बनता है और योर योर आपका पजेसिव कैसे बनता है तो सेकेंड पर्सन का मतलब होता है कि सामने वाला दूसरा आदमी ठीक है तो ये सेकेंड पर्सन होता ये भी पर्सनल प्रोनाउन है और अगली जो किस्म है वो है थर्ड पर्सन थर्ड का मतलब तीसरा होता है नहीं कोई कोई तीसरा जो गायब हो इसकी भी तीन शक्लें बनेंगी या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा या पॉजिटिव केस बनेगा तो जैसे कि आप कहेंगे ही शी इट दे ये सारे के सारे क्या है ये सारे के सारे जो है गायब की चीजें हैं गायब ही का मतलब गायब होता है यानी जो वहाँ आपके सामने नहीं है इसके ऑब्जेक्ट बनेगी हिम हर इट देम हिज हर इट्स दियर्स तो सारी की सारी क्या ये सारी की सारी जो आपको दिखाई दे रही हैं चीजें या जो अल्फाज आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे अल्फाज क्या कहलाएंगे पर्सनल प्रोनाउन कहलाएंगे क्या कहलाएंगे पर्सनल प्रोनाउन क्योंकि ये किसी खास चीज के जगह पे इस्तेमाल होते हैं आप हिम को हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं सीखे ख़ास नाम के साथ ही इस्तेमाल करेंगे आप इसको खास नाउन के साथ ही इस्तेमाल करेंगे आप इसको ठीक है तो जब भी कहीं आपको अगर सुनाई दे थर्ड पर्सन तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं आप यही समझेंगे ठीक है ये आप समझेंगे ठीक है ये मतलब है थर्ड पर्सन का मतलब गायब ओके अब यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस की होगी जिसको मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि यहाँ पर जो है कहीं कहीं आप पढ़ते होंगे दियर्स हर्स योर्स अवर्स माइन माय भी आप पढ़ते हैं अवर भी पढ़ते हैं योर भी पढ़ते हैं हर हर भी पढ़ते हैं या देर भी पढ़ते हैं लेकिन कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलता है माइन भी अवर्स भी योर्स भी हर्स भी या भी ये भी क्या है ये भी आपके प्रोनाउन है योर्स हर देयर ये सब ये सब भी प्रोनाउन है ये भी प्रोनाउन है लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है दोनों में फर्क क्या है यानी जिनमें आपको एस दिख रहा है जैसे योर्स है माइन है योर्स है हर्स इनका इस्तेमाल हम अकेले करते हैं यानी इनके साथ हम कुछ नहीं जोड़ते हैं ओके जबकि अगर आप माई इस्तेमाल करें योर इस्तेमाल करें हर इस्तेमाल करें तो आपके लिए जरूरी होगा कि आप इसके साथ कोई चीज लेके आए जैसे कि आप कहते हैं डेट कार इज माइन डेट कार इज माइन तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइन को आपने सिंगुलर इस्तेमाल किया अकेले ही इस्तेमाल किया ओके तो इनको आप जब भी इस्तेमाल करेंगे इनके साथ आप कोई ऑब्जेक्ट नहीं कोई चीज नहीं लेकर लाएंगे लेकिन जैसे ही आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो आप कैसे कहेंगे माई कार इज दियर ठीक है माई कार इज दियर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माई को आपने अकेले इस्तेमाल नहीं किया है बल्कि इसके साथ आपने कोई चीज जिक्र की है जो कि कार है तो जब भी आप माई या अवर्ड या योर बगैर एस के इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए जरूरी होगा कि आप उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई सामान लेके आए ठीक है और माइन का मतलब होता है बगैर आप कोई चीज जोड़े हुए बिल्कुल अकेले आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो ये फर्क है दोनों में ओके okay? तो ये सारी बातें थी पर्सनल प्रोनाउन के बारे में आगे चलते हैं आगे हम पढ़ते हैं प्रोनाउन रिफ्लेक्स का क्या मतलब होता है उलट जाना मुनाकिस होना यानी उल्टा उसी के ऊपर जाना तो इससे क्या पता चल रहा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है उन प्रोनाउन को कहते हैं जो जुमले में इस्तेमाल होते हैं और जो लौटते हैं सब्जेक्ट की तरफ और इनका इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के तौर पर होता है यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होंगे और जो भी ऑब्जेक्ट होगा उससे मुराद सब्जेक्ट होगा करने वाला होगा जैसे कि आप कहते हैं ही किल्ड हिमसेल्फ आप कहते हैं शी हर्ट आप कहते हैं दे किल्ड देम सेल्फ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिम सेल्फ हर सेल्फ देम सेल्फ ये सब के सब क्या हैं ये सब के सब आपके प्रोनाउंस हैं और प्रोनाउंस में क्या है रिफ्लेक्सी प्रोनाउन रिफ्लेक्स का मतलब होता है उल्टा जाना ठीक है जैसे कि आप शीशे पे टार्च मारेंगे तो शीशे की पर रोशनी पड़ेगी तो उल्टे आपके पास आएगी ना रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो वही मतलब है यहाँ पर तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है वो प्रोनाउन जो जुमले में ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो और वो लौटते हो फाइल ही की तरफ करने वाले ही की तरफ ठीक है तो ही किल हिमसेल्फ का क्या मतलब होगा उसने खुद को मार डाला खुद का कत्ल कर दिया शी हर्ट हर उसने अपने आप को चोट पहुंचा दिया दे किलम हिमसेल्फ उन लोगों ने अपने आप को मार डाला तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है और ये लौट रहे हैं ज़मीर किसकी तरफ देख सब्जेक्ट की तरफ बजाते खुद तो उनको हम क्या बोलेंगे रिफ्लेक्सी प्रोनाउंस का नाम देंगे तो इनके माने से पता चल रहा है ठीक है कि रिफ्लेक्सी प्रोनाउंस का क्या मतलब होगा जो बजाते खुद फायल की तरफ लौटे आगे हम बात करेंगे तीसरी कस्म की तीसरी कस्म है इम्फेटिक प्रोनाउन इम्फेटिक का मतलब होता है जोर डालना ताक़द पैदा करना तो इम्फेटिक प्रोनाउंस की तारीफ क्या होगी इम्फेटिक प्रोनाउन की तारीफ होगी वो प्रोनाउंस तो जुमले में इस्तेमाल होते हैं ताकीद पैदा करने के लिए जैसे कि आप कहें आई विल डू इट माई सेल्फ और बाई माई सेल्फ आप कहेंगे दे डो नॉट डू दियर वर्क देम सेल्फ और बाई देम सेल्फ आप कहेंगे ही कॉल द डॉक्टर हिम सेल्फ और बाई हिम सेल्फ ओके तो यहाँ पर इसका क्या तर्जुमा होगा कि आई विल डू इट माई सेल्फ या बाई माई सेल्फ कि मैं इसे बजाते खुद करूँगा खुद से ही करूँगा दे do नॉट डू दियर work themselves सेल्फ या by themselves का क्या मतलब होगा कि वो लोग अपना काम खुद से नहीं करते हैं इसी तरह से ही कॉल द डॉक्टर हिम सेल्फ और बाई हिम सेल्फ का क्या मतलब होगा कि उसने डॉक्टर को खुद ही बुलाया खुद ही फ़ोन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने असल में आई विल डू इट मैं करूँगा दे do नॉट डू देअर वॉक वो अपना काम नहीं करते हैं ये माना है लेकिन आप इसमें ताक़द पैदा करना चाह रहे हैं तो इसलिए आपने यहाँ पर माई सेल्फ का इस्तेमाल किया इसी तरह से दि सेल्फ का इस्तेमाल किया इसी तरह से हिम सेल्फ का इस्तेमाल किया तो यहाँ पर आपने जुमले में ताकद पैदा कर दी तो इसलिए ये जुमला क्या कहलाएगा क... ये जुमला का यानी ये प्रोनाउन क्या कहलाएगी इन्फेटिक प्रोनाउन यानी आपने ताक़ पैदा कर दी ओके अब एक सवाल पैदा हो सकता है आपके जहन में वो ये है कि माई सेल्फ और बाई माई सेल्फ में क्या फ़र्क है जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाई माई सेल्फ है यहाँ पर माई सेल्फ है दम सेल्फ है या बाईम सेल्फ है क्या फ़र्क है इन दोनों में हम कहाँ पर बाई के साथ लाते हैं और कहाँ बगैर बाई के लाते हैं तो बाई का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हम यानी माई सेल्फ का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हम किसी से कोई काम करने के लिए कहते हैं और सामने वाला मना कर दे जैसे कि मिसाल के तौर पर एक अच्छी मिसाल दे रहा हूँ आपको जैसे कि अहमद है अहमद जैद से कह रहा है जैद कैन यू प्लीज़ राइट एन एप्लीकेशन फॉर मी कि जैद क्या तुम मेरे लिए सवाल लिख सकते हो एप्लीकेशन एक दरख्वास्त लिख सकते हो प्लीज़ तो जैद क्या कहे नो no, सॉरी नहीं माफ़ करना ठीक है तो इसके जवाब में अहमद क्या कहेगा आई कहेगा ओके नो वरीज आई विल डू इट विल्फ आई विल डू इट माई सेल्फ यहाँ पर आप बाई माई सेल्फ इस्तेमाल नहीं करेंगे आई विल डू इट माई सेल्फ का क्या मतलब होगा मैं इसे खुद से ही करूंगा ओके okay? तो यहाँ पर पहले उसने रिक्वेस्ट की फिर उसका रिजेक्शन हुआ इनकार हुआ उसके बाद उसने कहा कि मैं खुद से करूंगा तो यहाँ पर आप बाई के नहीं इस्तेमाल करेंगे बल्कि माई सेल्फ इस्तेमाल करेंगे लेकिन बाई का इस्तेमाल कहाँ करेंगे आप बाई का इस्तेमाल उस वक्त करेंगे जब मुतलक तौर तो पर कोई इस तरह का स्याख न हो बल्कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि आप कोई काम खुद से करते हैं किसी पर मुनासिर नहीं है किसी दूसरे के मोहताज नहीं है तो आपका रूटीन है ऐसा कोई सयाख नहीं है जो कि पिछले पिछली मिसाल में हमने आपको बताया तो यहाँ पर हम बाई माई सेल्फ इस करेंगे जैसे कि आप कहें ईटिंग फूड एट रेस्टोरेंट इज़ एक्सपेंसिव सो आई हैव टू कुक फूड बाय माई सेल्फ तो यहाँ पर कोई ऐसा स्याख़ नहीं है कि आपने किसी से रिक्वेस्ट की थी और आपको मना कर दिया गया बल्कि मतलब तौर पर आप बात कर रहे हैं तो जब भी आप तौर तो पर बात करेंगे तो आप वहाँ पर बाई माई सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे ओके तो ये फ़र्क है दोनों में माई सेल्फ में और बाई माई सेल्फ में उम्मीद करता हूँ कि यह फ़र्क आपके सामने वाजे हुआ आगे चलते हैं इसकी अगली किस्म पढ़ते हैं इसकी अगली किस्म है चौथी किस्म डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस डिमॉन्सट्रेट का मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेट अगर आप इसको ट्रेटिव बेगेट्रेटिव पढ़ेंगे तो डेमोन्स्ट हो जाएगा लेकिन अगर पूरा पढ़ेंगे तो डिमॉन्सट्रेटिव हो जाएगा तो डेमानस्ट्रेट डेमोन्स्ट्रेट ओके क्या पढ़ेंगे इतना पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेट लेकिन जब पूरा पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव डिमोन्स्ट्रेटिव थोड़ा सा खींच देंगे लेकिन जब पूरा नहीं पढ़ेंगे डिमोन्स्ट demonst, डिमॉन्स्ट्रेट ही पढ़ेंगे जिसका मतलब होता है वाजह करना दिखाना तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का क्या मतलब होगा नाम से पता चल रहा है कि वाजह करेगी कोई चीज या दिखाएगी या इशारा करना ओके तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस उन प्रोनाउंस को कहते हैं जिनका इस्तेमाल किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए किया जाए जैसे, जैसे कि आप कहें दिस इज माई कार आप कहें दिस आर हैंड्स आप कहें डेट इज एन ओल्ड बैग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप दिस डेट या दोज के जरिए से आप इशारा कर रहे हैं किसी चीज की तरफ जो कि कार है या, है या हैंड्स है या बैग है उनको हम क्या बोलेंगे इनको हम बोलेंगे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस ओके यहाँ पर डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस में एक चीज का आपको ख्याल करना ख्याल क्या है वो ये है कि डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को अगर आप नाउन के साथ इस्तेमाल कर लें यानी डिमॉन्सट्रेटिव प्रोनाउन अभी यहाँ पर आपने कैसे इस्तेमाल किया आपने सिर्फ इनको इस्तेमाल किया दिस दोज डेट ठीक है यहाँ पर आपने कुछ इस्तेमाल नहीं किया लेकिन अगर आप इनके साथ कुछ और इस्तेमाल कर लें नाउन इस्तेमाल कर लें नाउन तो क्या हो जाएंगे ये आपके डिमॉन्सट्रेटिव एगजेक्टिव कहलाएंगे ठीक है तो यहाँ पर वही है कि डिमॉन्सट्रेटिव प्रोनाउन को अगर नाउन के साथ इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव कहलाएंगे जैसे कि आप कहें डैट इज़ माई मोबाइल डेट इज माई मोबाइल तो यहाँ पर क्या कहलाएगा ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा लेकिन अगर आप कहें डेट मोबाइल इज माइन तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट मोबाइल के साथ आपने डेट के साथ इस्तेमाल कर लिया आपने डेट के साथ चीज इस्तेमाल कर लिया ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर लिया नाउन इस्तेमाल कर लिया तो क्या होगा ये क्या कहलाएगा ये demonstrative pronoun नहीं होगा बल्कि क्या कहलाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव कहलाएगा तो ये फर्क है डेट इज माई मोबाइल में और डेट मोबाइल इज माइन में ठीक है तो गोया की ये जो है इस्तेमाल किताब से इनको हम अलग नाम देंगे तो ये फ़र्क आपके जहन में होना चाहिए कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपको घबराना नहीं है जब भी जो है डिमोस्ट्रेटिव दिस डेट इन सब वगैरह के साथ अगर नाउन आ जाए कोई तो हम इसको प्रोनाउन नहीं कहेंगे बल्कि एडजेक्टिव का नाम देंगे तो ये सारी बातें थी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में आगे चलते हैं इसकी छठी किस्म को लेते हैं छठी किस्म डिस्ट्रीब्यूटिउंस तो डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है बांटना ओके okay, तकसीम करना हैं? वो प्रोनाउन जिनका इस्तेमाल एक वक्त में किसी एक चीज़ की तरफ यानी जो है दो चीज़ें हैं ठीक है लेकिन उनका इस्तेमाल आप किसी एक चीज़ को बतलाने के लिए कर दें जैसे कि आपके ईच ऑफ़ यू गॉट गुड मार्क्स आप कहते हैं एदर ऑफ़ यू कैन टेक दिस पेन तो यहाँ पर आपने जो है क्या कि इस्तेमाल किया ईच इस्तेमाल किया यहाँ पर इधर इस्तेमाल किया यहाँ पर यू था यू यहाँ पर कई सारे लोग थे इसी तरह से यहाँ पर यू था यहाँ पर कई सारे लोग थे तो आपने तकसीम कर दिया ईच ऑफ यू तुम में से हर एक एदर ऑफ यू तुम में से कोई भी ओके ईच ऑफ यू गुड यानी गॉड गुड मार्क कि तुम में से हर एक ने अच्छे मार्क हासिल किए इसी तरह से एदर ऑफ यू कैन टेक दिस पेन तुम में से कोई भी ओके okay? कोई भी ले सकता है इस कलम को तो यहां पर आपने जो है बांट दिया तकसीम कर दिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ठीक है यानी हर एक ठीक है तुम में से कोई भी ओके इस चीज़ को ले सकता है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं यहाँ पर आपने इनका इस्तेमाल बांटने के लिए तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आगे हम पढ़ेंगे नेदर ऑफ द बॉयज वज एबसेंट ठीक है यानी लड़के थे कई सारे कई सारे लड़के थे उनमें से आपने तकसीम कर दिया यानी कोई भी नीदर ऑफ़ दॉयज वट कोई कोई भी लड़का गैर हाजिर नहीं था तो यहाँ पर मुतलक तौर तो पर था लेकिन आपने तकसीम कर दिया खाए हर एक के माने में कह दिया कोई भी तो यहाँ पर हर एक का माना यहाँ पर दे दिया आपने तो इसलिए आप क्या क्या कहेंगे के, के, इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस अगली किस्म है इसकी रिलेटिव प्रोनाउंस रिलेटिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस उन प्रोनाउंस को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल जुमलों में किया जाता है और जुमलों के बीच में इनका इस्तेमाल किया जाता है और ये इससे मुराद जो है जुमले में मौजूद इसम होता है ठीक है जैसे कि दिस इज़ द पर्सन हु अब्यूज़ अस दैट डे आप कहें दिस इज़ प्लेस वेयर वी विजिटेड लास्ट ईयर तो यहाँ पर क्या कहा हमने कि रिलेटिव से मुराद वो ज़मीर है जिनका इस्तेमाल हम तो जुमलों के बीच में करते हैं और इससे मुराद क्या होता है इससे मुराद जुमले में मौजूद इसम होता है जो इससे पहले आ चुका होता है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें है द पर्सन द प्लेस ठीक है और ये जुमले के बीच में आया हुआ है तो ये जुमलों के बीच में इस्तेमाल होते हैं और इससे पहले मौजूद जो नाउनस होते हैं उसकी तरफ लौटते हैं यहाँ पर हु लौट रहा है किसकी तरफ द पर्सन की तरफ इसी तरह से वेयर लौट रहा है किसकी तरफ द प्लेस की तरफ तो क्या बोलेंगे दिस इज द पर्सन हु अब्यूज अस डैट डे ये वही आदमी है जिसने हमें उस दिन गाली दी थी आप कहेंगे दिस इज द्लेस वीअर वी विजिटेड लास्ट ईयर कि ये वही जगह है जहाँ पर हमने या जिसकी हमने लास्ट यानी पिछले साल जरूरत की थी यहाँ जहाँ पर हम आए थे यहाँ तो पर आप देख सकते हैं ये जमात जो हैं जुमलों के बीच में आए हुए हैं और ये लौट रहे हैं इससे पहले जो नाउन है उनकी तरफ तो ये ताल्लुक पैदा कर रहे हैं ठीक है रिलेट का मतलब होता है ताल्लु रखना तो ये ताल्लुक पैदा कर रहे हैं पिछले जुमले की आगे जुमले से अगले वाले जुमले से ठीक है तो इसीलिए हमको क्या बोलेंगे इनको हम बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस ओके गाइज आगे चलते हैं आगे हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं इंट्रोगेट का मतलब होता है सवाल करना पूछना इंट्रोगेट का मतलब होता है सवाल करना पूछना तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस किसे कहेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस उन प्रोनाउंस को कहा जाएगा जिनका इस्तेमाल हम सवाल करने के लिए करते हैं जैसे कि आप कहें हु आर यू आप कहें वेयर आर यू फ्रॉम आप कहें व्हाट आर यू डूइंग डूंग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है ये सारे के सारे प्रोनाउंस हैं और इनका इस्तेमाल यहाँ पर सवाल करने के लिए किया गया है तो इसको हम क्या बोलेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाएंगे ओके हकीकत में आपके यही आठ ही प्रोनाउंस हैं बाकी जो है लोगों ने अख्तिलाफ करके ऐड कर दिया है तो इसको पढ़ते हैं अगला जो प्रोनाउन है वो है रेसिप्रिकल प्रोनाउन रेसिप्रोकल प्रोनाउन किसे कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस उन प्रोनाउंस को कहा जाता है जो जुमलों में इस्तेमाल होते हैं और आपस में ताल्लुक पैदा करते हैं लोगों के दरमियान ओके okay, दो तरफा ताल्लुक़ पैदा करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि आप कहें दे डू नॉट टॉक विद ईच अदर आप कहें दे फीड एंड अदर आप कहें द बॉय शेयर्ड फूड विच ईद अदर तो यहाँ पर ये जो है इस्तेमाल हुए हैं जुमले में किस लिए इस्तेमाल हुआ इनका इस्तेमाल किया जाता है ताल्लुक पैदा करने के लिए आपस में दो तरफा ताल्लुक तो यहाँ पर दे डू नॉट टॉक विद ईच अदर का मतलब होगा कि वो आपस में बातचीत नहीं करते हैं द फीड इनर उन लोगों ने आपस में एक दूसरे को खिलाया या खिलाते हैं द बॉयज शेयर द फूड विद ईच अदर की लड़कों ने जो है आपस में खाना तकसीम किया तो ये जो प्रोनाउंस है इनको हम क्या कहेंगे इन प्रोनाउंस को हम कहेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस ठीक है इनका इस्तेमाल कब करते हैं इनका इस्तेमाल जुमलों में करते हैं दो तरफ़ा तलुक़ पैदा करने के लिए दो तरफ़ा माना अदा करने के लिए आपस में तलुकत जोड़ने के लिए तो उनका उनको हम क्या बोलेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का नाम देंगे आगे हम चलते हैं आखिरी किस्म पढ़ते हैं जो कि है एक्सकलामेटरी प्रोनाउंस एक्सक्रामेटरी प्रोनाउंस एक्चुअल में नहीं होता है बल्कि एक्सकलेट्री एडजेक्टिव होता है लेकिन कुछ लोगों ने फ़र्क किया एक्सकलॉमेटरी प्रोनाउंस और एक्सकलॉमेट्री एडजेक्टिव में जिनको एडजेक्टिव में हम पढ़ेंगे लेकिन अभी हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं जो कि लोगों ने कह दिया इसलिए हमारे लिए जरूरी कि हम पढ़ें तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस किसे कहेंगे उन प्रोनाउंस को कहा जाएगा जिनका इस्तेमाल ताज्जुब पैदा करने के लिए किया जाता है जैसे कि आप कहें वाट हैज डाइड आप कहें हाउ डैट वॉज पॉसिबल आप कहें हाउ ब्यूटीफुल सीन इज तो इन सब को क्या कहेंगे आप वाट को आप क्या कहेंगे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस हाउ को आप क्या कहेंगे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस यहाँ पर आप हाउ को क्या कहेंगे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस तो ये सारे के सारे प्रोनाउंस हैं इनको आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस नहीं कहेंगे बल्कि इनको आप क्या कहेंगे इनको आप कहेंगे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस इनको आप अगर आपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कह दिया तो आपका कहना गलत होगा ये क्या कहलाएंगे ये कहलाएंगे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस नॉट इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस अगर आपने कह दिया इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस तो गलत हो जाएगा लेकिन अगर यही सवाल के लिए इस्तेमाल हो जाए सवाल करने के लिए तो इनको हम क्या कहेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहेंगे ओके okay गाइस तो हमारा आज का सबक यहीं पर ख़त्म हुआ आज हमने क्या क्या पढ़ा आज हमने पढ़ा कि व्हाट इज प्रोनाउन प्रोनाउन किसे कहते हैं तो प्रोनाउन के बारे में बताया कि प्रोनाउन कहते हैं उन अल्फाज को जिनका इस्तेमाल हम किसी खास नाम की जगह पे करते हैं यानी किसी नाम की जगह पे किसी नाउन की जगह पे करते हैं उनको तो हम प्रोनाउन कहते हैं जैसे कि उमर इज अ गुड बॉय ही रीड्स इन क्लास सेवन ही गोज द क्लास डेली यहाँ पर आप देख सकते हैं उमर की जगह पे हमने ही इस्तेमाल किया इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे इसको नाम देंगे प्रोनाउन का आगे हमने पढ़ा काइंस ऑफ प्रोनाउन कांट्स ऑफ प्रोनाउन की कुल असल में आठ किस्में हमने बताया लेकिन दस किस्मों को हम पढ़ेंगे पहली पर्सनल प्रोनाउंस पर्सनल प्रोनाउंस किसे कहते हैं जो किसी खास नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो उनको हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं है, उन प्रोनाउंस को जो जुमले में इस्तेमाल होते हैं एज एन ऑब्जेक्ट और ये लौटते हैं किसकी तरफ डायरेक्ट डूअर यानी सब्जेक्ट की तरफ ही लौटते हैं इसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रोनाउंस प्रोनाउंस से कहते हैं उन प्रोनाउंस को कहा जाता है जो जुमलों में इस्तेमाल किए जाते हैं ताकी पैदा करने के लिए आगे हमने पढ़ा डिमॉन्सट्रेटिव प्रोनाउंस डिस्ट्रेटिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं उन प्रोनाउंस को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल जुमलों में किया जाता है इशारा करने के लिए आगे हमने पढ़ा इंडेफिनिट प्रोनाउंस इंडेफिनिट प्रोनाउंस किसे कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस उसे उस प्रोनाउंस को कहा जाता है जो किसी खास चीज को ना बतलाएं ओके जिससे कोई खास यानी गैर गैरमतन चीज़ या गैर गैरमतन शख्स या गैर मुतिन जगह को बताने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम बोलेंगे इंटिफिन प्रोनाउंस इसकी छटरी किस्में है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल जुमलों में किया जाता है तकसीम करने के लिए यानी कि वक्त में एक जो है यानी कई सारे लोग हो और उनमें से आप हर एक के साथ कोई चीज़ ख़ास कर दें उस वक्त जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं यानी कोई चीज़ हर एक के लिए है ठीक है तो उस वक्त हम इसका इस्तेमाल करते हैं इसी तरह से रिलेटिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस उन प्रोनाउंस को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल जुमरों में किया जाता है ताकि दोनों जुमलों के दरमियान रफ्त पैदा कर सके और ये लौटते हैं डूर यानी करने वाले की तरफ जो इससे पहले इसमें होता है उसकी तरफ वाजिब नहीं है कि सब्जेक्ट ही हो यानी करने वाला ऑब्जेक्ट भी हो सकता है तो रिलेटिव प्रोनाउंस उन प्रोनास को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल जुमलों के बीच में किया जाता है और ये लौटते हैं अपने से माकबल इसम की तरफ आगे इंट्रोगेटिव प्रोनास इंटोगेटिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस उन प्रोनाउंस को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल क्वेश्चन यानी सवाल करने के लिए किया जाए तो ये पूर्व कुल आठ किस्में एक्चुअल में आगे है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस रेसिप्रोकल प्रोनाउंस किसे कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस उन प्रोनाउंस को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल जुमलों में किया जाता है और ये माना अदा करते हैं यानी आपस में कोई काम करना ठीक है आपस में कोई काम करने का माना अदा करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है अगली किस्म है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस किसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस उन प्रोनाउंस को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल ताज्जुब का इजहार करने के लिए किया जाता है तो सारी की सारी बातें थी आज के सबक से मुतल उम्मीद करता हूँ कि आज का सबक आपको समझ में आया होगा अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो आप फिर से रिपीट करेंगे उसको पढ़ेंगे और नहीं समझ में आया तो हमारी किताब से इसको जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो आपको सारी चीज़ें अच्छी से समझ में आ जाएंगी चूँकि वहाँ पर मैंने तारीफा दे रखी हैं डिफिनेशन दे रखी हैं और मिसालों के साथ मैंने वाजे किया है तो इनशाला वहाँ पर आपको समझ में ज़रूर आएगा अब यहीं पर आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ अगर आपके पास कोई सवाल है तो उसको हम लेते हैं गाइस ओके गाइस तो यहीं पर आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ अब हम लेंगे होमवर्क और होमवर्क का पैटर्न मैंने चेंज कर दिया है क्योंकि ऐसे होमवर्क है जिनकी हमें लिखने की जरूरत नहीं है तो इसलिए आप जो है इस लेसन को समझ लें अच्छे से आप हमारी किताब से इस लेसन को पढ़ लें अच्छे से समझ में आ जाए तो उसके बाद आप डायरेक्टली होमवर्क करेंगे बगैर देखे हुए तो उस वक्त आपको ज़्यादा मज़ा आएगा होमवर्क करने में ओके okay गाइज तो हम आपको होमवर्क शो नहीं करेंगे बल्कि आपको डायरेक्टली क्लास में करना होगा लेकिन आप पढ़ कर आएंगे तभी आपको मजा आएगा तभी आप कर पाएंगे ठीक है तो आप होमवर्क शुरू करने से पहले आप सबक को पढ़ लें समझ लें इसके तारीफात को देख लें अगर इनके अल्फाज मानू को आप समझ लेंगे तो इनशाला इनको समझने में आपको आसानी होगी जिसकी डिमोस्ट्रेट के माने होते हैं इशारा करना वाजे करना डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना तकसीम करना ठीक है पर्सनल प्रोनाउन जो किसी पर्सन के एग्जाम इस्तेमाल होता तो है सारी चीज़ें हैं अगर आप इनको अच्छे से समझ लेंगे तो इनशाला फिर आपको जो है इनको करने में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है रिफ्लेक्स का मतलब होता है लौटना इम्फेटिक का मतलब होता जोर देना तो आपको इनशाला बहुत मुश्किल नहीं है बस आप इनके आने पर लेंगे उसके बाद आप मिसालों को देख लेंगे हमारी किताब से तो इनशाला सारी चीज़ें आपके लिए वाज हो जाएंगी ओके अब इसी के साथ हमारा आज का सबक ख़त्म हुआ उम्मीद करता हूँ कि आपने इंजॉय किया होगा अब हम आपसे रुख्सत होते हैं इन हम मिलेंगे अगले सबक में नई बहस के साथ नई तफसील के साथ वालकम वकू